The maximum and minimum resistance that can be obtained from two resistors are 9 ohm and 2 ohm. The value of resistors is, तो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम रेजिस्टेंस आना चाहिए 9 ओम और मिनिमम रेजिस्टेंस आना चाहिए 2 ओम यूजिंग टू रेजिस्टेंसेस. लेट्स से R1 एंड R2 बी द टू रेजिस्टेंसेस. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आता है? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो टू रेजिस्टेंस अगर तुम सीरीज में कनेक्ट करो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, और दो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो उसकी वैल्यू मिनिमम आती है. बीइंग दैट सेड इसे सिंपलीफाई करते हैं. सो 2 इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय 9. ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी. सो R1 इंटू R2 विल बिकम 18. यहाँ से हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 माइनस R2 इज इक्वल्स टू R1. यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू. So 9 minus R2 into R2 is equals to 18. So this is a 9 R2 minus R2 square is equals to 18. R2 square minus 9 R2 plus 18 is equals to 0. So यहाँ से R2 के दो roots आ जाएंगे. You'll get 3 ohm. And 6 ohm, ठीक है. So let's substitute the value for 3 ohm. कोई भी दोनों में से एक put कर दो in the equation here, ये equation में. So if we substitute the value of 9 is equals to R2 की 3 ohm substitute करेंगे, तो ये 3 plus R1, so 9 minus 3 will become R1. R1 is equals to 6 ohm. So anyways, you are getting two combination of resistances, that is 3 ohm and 6 ohm. You either put 6 ohm, yahan pe ye 3 ohm mil jayega. So anyways, the answer is option D, 6 ohm and 3 ohm. Inke dono combination se maximum minimum resistance ban jayega, that is 9 and 2.